स्वच्छता पर बनाया गया गीत को प्रस्तुत किया जा रहा था। इस गीत के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि बिहार सरकार हर घर के अंदर शौचालय का निर्माण करवाना चाहती है, बीमारियों से मुक्ति दिलाना चाहती है। कहती है बिहार सरकार, क्या है मेरे माता बहनों नौजवान साथी दोस्तों, कान खोल के सुन लो, ये मेरा ऐलान है। हमने अपना कदम बढ़ाया है, आपको भी अपनी कदम बढ़ानी होगी। हर घर के अंदर शौचालय का निर्माण करवा करके बीमारियों से मुक्ति पानी होगी। तुम अपने घर के अंदर शौचालय बनाओ, शौचालय में शौच करो, गंदगी ना फैलाओ, अपनी इज्जत और आबरू को रोड के किनारे नीलाम न करो। तुझे 12,000 रुपया प्रोत्साहन राशि खाते के माध्यम से दी जाएगी। अभी सरकार नचा के बजा के गवा के समझवा रही है, बुझवा रही है, बतलवा रही है कि आप लोग अपने घर के अंदर शौचालय बनवा लीजिए, शौचालय में शौच कीजिए, नहीं तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अंतरिम कानून व्यवस्था बना हुआ है, खुले में शौच करने वाले नौजवान साथी माता बहन पकड़े जाएंगे, जेल के हवालात में सहना पड़ेगा। इसलिए उस समय आने न देंगे और साथ साथ ईपीएल बीपीएल राशन कार्ड माटी के तेल सरकारी कामों से वंचित कर दी जाएगी। 31 दिसंबर के पहले इस बिहार में रहने वाले सारे लोग खुले से मुक्त होंगे, घर के अंदर शौचालय बनाएंगे। अगर 31 दिसंबर तक नहीं बना तो खैर नहीं, चाहते हैं मैदान करने, लेडीज को पकड़ने के लिए लेडीज पुलिस, जेंट्स को पकड़ने के लिए जेंट्स पुलिस, मैदान करे गई बनी आ मैदान करते में धारा आ गई में। इसलिए उस समय आने लगेंगे, आप अपने घर के अंदर शौचालय बनाए, अपनी इज्जत को बचाए, बिहार सरकार के लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।